एवरी वन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जियोलॉजी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फेरामिन के बारे में तो बेसिकली एक तरीके का इंट्रोडक्टिव वीडियो होने वाला है जिसमें हम बात करेंगे फेरामिन क्या होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं और फेरामिन के अंदर हारमोन के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फेरामिन एक्चुअली में क्या होता है सिंपली हम बोल सकते हैं कि फेरामिन इज़ ए केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस एंड रिलीज इन टू द इनवामेंट बाई एन एनिमल स्पेशली ए मैमल और एन इंसेक्ट तो सिंपली हम बोल सकते हैं फेरामिन क्या होता है एक तरीके का केमिकल सब्सटेंस होता है क्या होता है केमिकल सब्सटेंस होता है ज़्यादातर ये जो है एनिमल्स के द्वारा सिक्रियट किया जाता है जैसे कि मैमल्स और इंसेक्ट को इंसेक्ट के द्वारा जो है ये इन्वायरमेंट के अंदर जो है सिक्रीट किया जाता है जिसकी वजह से क्या होगा सेम स्पीसी के दूसरे इंडिविजुअल पे हमें इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा फॉर एग्जांपल ये कोई इंसेक्ट है ठीक है और ये सर्टेन फेराम जो है इन्वायरमेंट के अंदर सिक्रियट कर रहा है क्लियर है अब इसने जो फेराम सिक्रिएट किया है ये सेम स्पीसी के दूसरे इंडिविजुअल को इफेक्ट करेगा क्लियर है फॉर एग्जाम्पल ये जो इंसेक्ट है ये मेल इंसेक्ट है ठीक है जो ये सिक्रिएट करेगा फेरेमेन कुछ भी सर्टेन uh, फेरामेन मान लीजिए सेक्स फेरामेन इसने सेक्रेट किया ठीक है तो ये सेम स्पीसी के दूसरे इंडिविजुअल यानी कि फीमेल को अट्रैक्ट करेगा मेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा क्लियर है तो इस तरीके से जो फेराम है वो काम करता है इफेक्टिंग द बिहेवियर और फिजियोलॉजी ऑफ द अदर ऑफ इट्स स्पीसीस यानी कि ये जो फेराम है वो सेम स्पीसी के दूसरे इंडिविजुअल पे इफेक्ट करेगा यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो फेरामिन होता है वो स्पीसी स्पेसिफिक होता है क्योंकि ये सेम स्पीसी के इंडिविजुअल पे इफेक्ट कर रहा है दिस इन इंक्लूड मेटिंग एज वेल तो ये ज़्यादातर मेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए फेराम रिस्पॉन्सिबल होता है जिनको हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट है फेरामस आर एक्टो हारमोन्स एक्टो हारमोन से आप क्या समझते हो कि ये बॉडी के आउटसाइड बॉडी के बाहर जो है ये सिक्रिएट किए जाते हैं ठीक है मीनिंग दे एक्ट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल दैट इज सिक्रेटिंग दैम अभी हमने जो डिस्कस किया था फॉर एग्जाम्पल ये जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है मान लीजिए इंसेक्ट है ये कुछ सर्टेन फेरामिन को सिक्रीट कर रहा है तो इसकी बॉडी के बाहर जो है ये फेराम एक्ट करेगा दूसरे इंडिविजुअल पे ये एक्ट कर रहा है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है फेरामिन आर यूजुअली प्रोड्यूस बाय ग्लैंड्स ज़्यादातर फेरामिन को कौन प्रोड्यूस करता है ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं लोकेटेड ऑन द स्किन स्किन पे ये ग्लैंड जो है लोकेटेड होती है क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था फेराम एक्टो हार्मोन होते हैं बॉडी के बाहर सिक्रिएट किए जाते हैं और बाई डक्ट विद इन द बॉडी दैट हैव डक्ट लीडिंग टू बॉडीज एक्सटीरियर बॉडी के बाहर कुछ ऐसी डक्ट होती है जो बॉडी के बाहर जो है इसका सिक्रियशन करती है द सेकेंड वेराइटी ऑफ ग्लैंड आर नोन एज एक्जोक्राइन ग्लैंड तो एक्जोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो इनको सिक्रीट करती हैं ठीक है थीके? ये कुछ पॉइंट है जो अभी हमने डिस्कस किया आई होप आपको अंडर uh, समझ आ गया होगा ठीक है नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ फिराम्स सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिलीजर फिरामिन रिलीजर फिरामिन आप क्या समझते हो रिलीजर फिरामिन इंड्यूस ए रैपिड बिहेवियर रिस्पॉन्स इन द रिसपियंट मीडिएटेड थ्रो सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिलीजर फिरामिन जो होता है इसको कौन मीडिएट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्लियर है अब जो रिलीजर फिरामिन है किस तरीके से फंक्शन करता है इंड्यूसर रैपिड बिहेवियर रिस्पॉन्स हमें बहुत जल्दी ही इसमें रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा फॉर एग्जाम्पल कोई भी वाटर बॉडी है जिससे स्नेल जो है वो बाहर की तरफ आ रहे हैं अगर एक भी स्नेल को आप किल कर दो तो एक तरीके से इसकी बॉडी से फिरामिन सिक्रीट होंगे जो कि दूसरे स्नेल को इफ़ेक्ट करेंगे उनके लिए एक तरीके से इलामिंग फिरामिन होगा ये ठीक है तो वापस वाटर बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे क्लियर है है तो जो रिलीजर है, इसका हमें जो है रैपिड बिहेवियर रिस्पॉन्स देखने को मिलता है तुरंत ही, ही हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट आता है प्राइमर फिरामिन प्राइमर फिरामिन क्या समझते हो इंडिया डिलेड रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस डिलेड रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस यानी कि इसमें बहुत टाइम लगता है ठीक है काफ़ी टाइम के बाद जो है इसमें रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा मीडिएटेड थ्रो सेंट्रल नर्वोस सिस्टम इसको भी कौन मीडिएट करता है सेंट्रल नर्वो सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम एग्जाम्पल क्या है सेक्स फेरास के कुछ एग्जाम्पल है। है? हैं क्लियर है हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन हार्मोन्स एंड फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे अभी सबसे पहले हम पढ़ते हैं हार्मोन्स क्या होते हैं हार्मोन्स रिफर टू द रेगुलेटरी सब्सटेंस हार्मोन्स क्या है रेगुलेटरी सब्सटेंसेस होते हैं विच आर ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड और सेप ज़्यादातर हमें ये कहाँ मिलेंगे ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहते हैं और सेप के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर भी हारमोन्स होते हैं और एनिमल्स के अंदर भी हारमोन्स होते हैं स्टिमुलेटिंग स्पेसिफिक सेल टू परफॉर्म देयर फंक्शंस तो ये ज़्यादातर क्या करेंगे स्टिमुलेट करेंगे स्पेसिफिक सेल को और कोई सर्टेन फंक्शन परफॉर्म करेंगे वहीं पे फिर क्या करता है फिरमिन रिफर्ड टू द केमिकल सब्सटेंसेज विच आर रिलीज इन टू द इन्वायरमेंट बाई एनिमल एंड इंसेक्ट अफेक्टिंग द बिहेवियर ऑफ द अदर्स इन द सेम स्पीसी फिरमिन क्या करता है कि कोई भी सर्टेन एनिमल जो कि फिरमिन uh, को रिलीज करेगा इन्वायमेंट के अंदर ये उस सेम स्पीसीज के दूसरे इंडिविजुअल को इफेक्ट करेगा ठीक है विद इन द बॉडी नहीं होता है बॉडी के बाहर इसको सिक्रिएट किया जाता है ठीक है इफेक्टिंग द बिहेवियर ऑफ द अदर एनिमल ऑफ़ द सेम स्पीसी ठीक है दूसरे एनिमल uh, को जो है इफ़ेक्ट करेगा बशर्ते वो सेम स्पीसी का होना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्ट uh, जो हार्मोन्स पे हम देखते हैं एक्ट इनसाइड द बॉडी ऑफ द एनिमल और दैट सिक्रिएट इट प्लांट की बात करें या एनिमल की बात करें जो भी इसको सिक्रिएट करेगा ये इनसाइड द बॉडी एक्ट करेगा वहीं पे फिर जो है एक्ट आउटसाइड द बॉडी एंड एनिमल और इंसेक्ट दैट दिएट ठीक जो भी इसको सिक्रिएट करेगा उसकी बॉडी से बाहर ये फंक्शन करेगा क्लियर है नेक्स्ट डिफरेंस आता है हैव ए वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस इन द बॉडी ठीक है तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं हार्मोन्स की बॉडी के अंदर हैव ए फ्यू फंक्शन इन द बॉडी तो फॉर्मन जो फेराम होते हैं उनके बॉडी के अंदर बहुत ही कम फंक्शंस होते हैं एज कम्पेयर टू हार्मोन्स कोऑर्डिनेट द फंक्शन ऑफ द बॉडी अलोंग विद द नर्वस सिस्टम वहीं पे फेरामन एक्ट एज अ मैसेंजर टू अट्रैक्ट मेल टूवर्ड्स द फीमेल एडिंग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ठीक है अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हॉमोन्स के कुछ एग्जाम्पल जैसे कि आपसेसिक एसिड ऑक्सीजी एंड साइटो जो कि कहाँ पर मिलेगा प्लांट्स के अंदर और वहीं पे एनिमल्स में पिट्यूटी हार्मोन्स एंड मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स वहीं पे फिर के एग्जाम्पल देख लेते हैं सेक्स फिरामिन ट्रेल फिरामिन सिग्नल फिरामिन एंड एग्रीगेशन फिरामस ये कुछ फिरामिनस के एग्ज़ाम्पल हमने देखे हैं